जब ऑनलाइन प्राइवेसी की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेने लगते हैं, मगर ये जरूरी है कि आप अपनी प्राइवेसी और ऑनलाइन शेयर किए जाने वाले पर्सनल डेटा पर कंट्रोल रखें। इसमें सोशल मीडिया वेबसाइट और ऐप शामिल हैं, जो हर दिन कई भारतीय इस्तेमाल करते हैं। दरअसल फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने अपने एड नेटवर्क को इस तरीके से तैयार किया है कि वो आपके पर्सनल डेटा पर नजर रख सकते हैं। हालांकि ऐसे तरीके हैं जिससे आप कुछ चीजों का कंट्रोल वापस भी ले सकते हैं और उन वेबसाइट्स की पहुंच को सीमित कर सकते हैं जो आपका पर्सनल डेटा चुराती हैं। यूजर ये खुद तय कर सकते हैं कि उनका डेटा कौन देख सकता है, और इसके लिए शेन मैकनमे ने 6 आसान स्टेप बताए हैं जिससे आप अपनी कुछ प्राइवेसी सोशल मीडिया और ऐप से वापस ले सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ये 6 तरीके। एड को यूं करें मैनेज। आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टारगेट एड दिखाने वाले डेटा एडवर्टाइजर्स पर रोक लगा सकते हैं। अपनी प्राइवेसी और एड सेटिंग के जरिए इन पर नजर रखें और सोशल मीडिया पर ट्रैकिंग और एड टारगेट को रोक सकते हैं, जैसे कि ट्विटर पर ऑफ ट्विटर एक्टिविटी और फेसबुक पर एड शोन ऑफ ऑफ फेसबुक का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकेशन ट्रैकिंग बंद करें। आपकी फोटो में लोकेशन ट्रैकिंग और हिस्ट्री, यहाँ तक कि मेटाडेटा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स को सटीक लोकेशन को ट्रैक और कैटलॉग करने की अनुमति देता है। ऐसे में एक अच्छा प्राइवेसी सुरक्षा कदम सभी सोशल मीडिया ऐप्स और कैमरे के लिए फोन पर अपनी लोकेशन सर्विस को बंद करना है। यदि आपके पास एक आईफोन है तो आप इसे सेटिंग प्राइवेसी लोकेशन सर्विस में पा सकते हैं। एंड्रॉइड में सेटिंग्स, लोकेशन शेयरिंग, लोकेशन हिस्ट्री को बंद करें और ऐप के लिए लोकेशन एक्सेस को एडजस्ट करें। कहीं भी लॉगिन ना करें। ट्विटर और टिकटॉक जैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको कंटेंट देखने के लिए लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। लॉगिन करने से ये प्लेटफॉर्म आपका काफी ज्यादा डेटा चुरा सकते हैं, जैसे कि आपकी यूजर जर्नी, सर्च किया गया कंटेंट और आपके द्वारा क्लिक किए गए एड्स। ऐप और गेम की परमिशन रद्द कर दें। यदि आप अधिकांश लोगों को पसंद करते हैं तो आप अपने फेसबुक या गूगल लॉगिन डिटेल्स के साथ दूसरे एप्लीकेशन और वेबसाइटों में एंटर करते होंगे, जबकि ये उन साइटों को आपके डेटा तक पहुंच प्रदान करता है और फेसबुक को आपके बारे में अधिक जानकारी देता है। अपनी फेसबुक सेटिंग के जरिए आप परमिशन को रद्द कर सकते हैं, या आप चुन सकते हैं कि आपके द्वारा अभी भी उपयोग किए जाने वाले ऐप्स और गेम्स का क्या डेटा लिया जा रहा है। ऐड पर क्लिक ना करें। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऐप न केवल उन एड्स पर नजर रखते हैं जिन पर आप क्लिक करते हैं, बल्कि ये भी देखा जाता है कि आप उन्हें देखने या उनके माध्यम से स्वाइप करने में कितना समय लगाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऐप को आपके हितों के बारे में जानकारी न हो, तो वास्तव में सभी को एक साथ अनदेखा करने की आदत डालें। उदाहरण के लिए, आप इंस्टाग्राम और गूगल पर मिलने वाली शॉप सर्विसेज का उपयोग न करें। यदि आपको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप अपने ब्राउजर के माध्यम से VPN का उपयोग करके खोज सकते हैं। बर्नर ईमेल एड्रेस बनाएं। बर्नर ईमेल यानी कि एक अलग ईमेल आईडी। आपको एक अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस के अलावा एक अलग आईडी भी बनानी चाहिए, जिसका इस्तेमाल कॉमन कामों के लिए करें। इससे कंपनियां आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। यहां पर आप ये जरूर ध्यान रखें कि इस ईमेल आईडी को आप कॉमन ईमेल से लिंक ना करें। तो ये थे वो कुछ तरीके जिनकी वजह से आप अपने सोशल मीडिया को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।